अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लाए हैं मिक्स वेज की रेसिपी। आपने मिक्स वेज तो अपने घर पे ज़रूर ट्राई की होगी, मगर हमारा वादा है अगर आप हमारी मिक्स वेज की रेसिपी ट्राई करेंगे तो इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। आइए आप देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने लिया है 200 ग्राम गोभी, 150 ग्राम मटर, 100 ग्राम हमने ली है इसके लिए गाजर, 200 ग्राम लिया है हमने आलू, थोड़ा सा हरा धनिया, 100 ग्राम बीन्स, 100 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम प्याज, एक बड़ी शिमला मिर्च, 100 ग्राम ऑयल, थोड़ी सी अदरक, 4 हरी मिर्चें लंबे स्लाइसेस में कटी हुई, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच हल्दी, नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, कुटी हुई मिर्च साबुत, 1 चम्मच विनेगर वाइट, आधा चम्मच गरम मसाला कुटा हुआ। आइए अब देखते हैं इसे कैसे तैयार किया जाए। हमने कढ़ाई को फ्लेम पर चढ़ा दिया है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गोभी फ्राई कर लेंगे। गोभी हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स भी फ्राई करेंगे। सारी वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं, अब हम बचे हुए तेल में प्याज फ्राई करेंगे। इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी देर तक भूनेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है, अब हम इसमें अपनी तमाम सब्जियां डाल देंगे। इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, कुटी सुर्ख मिर्च, नमक, कुटा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने अपनी सब्जियां फ्राई की थी वो उसी वक्त गल गई थी। हमारी सब्जियां गल चुकी हैं, अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और विनेगर और फ्लेम और कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करके रखेंगे। अब ये हमारी सब्जी तैयार है सर्व करने के लिए। ये तैयार है हमारी मिक्स वेज, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।